जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक है? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेकर, आज जो एक स्पेशल जो वीडियो लेकर ITP कुक जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ITP का फाइनल वैकेंसी आ चुका है। ITP का अभी कुक का बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। कुक में ज्वाइन होने से पहले आप लोग उसका बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद भी आपका ऐसा स्थिति आ सकता है, ऐसा आपका हालात आ सकता है जो नौकरी छोड़ के भी आपका आना पड़े। इसलिए इससे पहले आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कैसा जॉब है, ड्यूटी, सैलरी, सब कुछ इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा। कैंटीन का सुविधा, फैसिलिटी क्या है, क्वार्टर मिलेगा या नहीं, मेल हो या फीमेल के लिए, सभी के लिए इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को मिलेगा। वीडियो कंप्लीट देख लेना तभी आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कुक के लिए बहुत कैंडिडेट को पता नहीं और बहुत कैंडिडेट को पता है। और चलिए तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुक का फाइनली वैकेंसी आ गया। जो कुक हो या वाटर कैरियर सेम बराबर है। और आपको काम क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी क्या, पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा क्या नहीं, आपका प्रमोशन होगा क्या नहीं, आगे जाके आपको ना बाहर से आपको एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलेगा क्या नहीं, ये भी सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो पर। क्योंकि मुझे मिला था ITP का जो कुक था और उसका हालत आपको कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो वो भी मैं बताऊँगा। चलिए तब दोस्तों, जैसे ITP में आप लोग ज्वाइन करना चाहता है, आप लोगों का अभी 10 पास लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा। आप जैसे क्वालिफाइड हो जाएगा, आप जॉब हो जाएगा। जॉब होने के बाद आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, जॉब होने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता रहा, ड्यूटी क्या है। जैसे आपको मिल गया, ड्यूटी क्या है इसका, ITP का ड्यूटी या CRP का ड्यूटी बराबर है, बट इसका क्या है, लोकेशन अलग है। ITBP का जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसको आपका ड्यूटी आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, आपको सुबह से लेके आप लोगों को 4-5 बजे से लेके आपको कितना बजे तक, लगभग आपको 5-6 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको खाने के लिए भी, लंच के लिए भी आपको 8-9 बजे तक आप लोगों का क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्यूटी वाला होता है वो ड्यूटी वाला लंच पैकिंग करके लेके जाता है। ये हो गया आप लोगों का दिन का जो है। और आप लोगों का ऐसा नहीं, आपको रेस्ट है कभी, RIGH ऐसे आपको कोई बन नहीं मिलते कुक को, और आपको खाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को सर, और कब बनाना पड़ेगा, जैसे आपका 9-10 बजे तक आपका लंच के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, मतलब 9-10 बजे तक काम क्लोज हो जाता है, 10-11 मतलब 10 नहीं, लगभग आपको 11 बजे। आज हम बताने वाला हूँ ITP कॉन्स्टेबल ट्रैक्समैन 2024 एग्जाम बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक से पढ़ाई करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छा तरीके से इस बुक को बनाया गया है, सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, और साथ में इसमें बोला गया है कांस्टेबल के लिए, जो ट्रैक्समैन के लिए, टेलर या माली या कोबलर हो, सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए स्पेशल इस बुक को बनाया गया है। साथ में आपको मैं और बताऊंगा, इसमें 1450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें मिलता है, 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, 1 सोल पेपर भी मिलता है, और इस बुक से पढ़ाई करें जरूर सक्सेस हो पाएगा। साथ में आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें 100% गारंटी दिया साक्षु ने, और इसमें आप लोग को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, करेंट अफेयर सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। देखिए पूरा सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है, इस बुक से पढ़ाया करेगा जरूर सिलेक्शन ले पाएगा। दोस्तों अच्छा से मेहनत कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें दिया हुआ है सब कुछ। और साक्षु का सामान्य हिंदी की बुक भी आता है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकता है, चाहे तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जी जाता है। और कई कई जगह में आप लोगों को हालत के अनुसार आपको 10 बजे तक भी आपको लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ड्यूटी जाएगा तो सुबह भी आपको बनाना पड़ सकता है। इसलिए कि आप लोगों को एक मिनिमम में टाइम बता सकता हूँ, 10-11 बजे तक आप लोगों का लंच कम्प्लीट होना चाहिए, 6-7 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कम्प्लीट होना चाहिए, और ये आप लोगों का काम रहेगा। उसके बाद आप लोगों का रेस्ट कितना मिलेगा, मान लो 11 बजे से लेकर आप लोगों को लगभग 2:30 बजे 3 बजे तक आपको दिन में रेस्ट मिलेगा, 3 बजे से फिर आपका स्टार्ट होगा जो रात के लिए, जो डिनर के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक, 5:30 बजे तक आप लोगों का क्लियर हो जाता है। 6:30 बजे के बाद आप लोगों को कोई टच नहीं करेगा कुक को, 6:30 बजे के बाद आपको कोई टच नहीं करेगा कुक को, क्योंकि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। सुबह 4:30 बजे से लेकर आप लोगों को 9-10 बजे तक, उसके बाद फिर से आप लोगों को 2:30 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक यही आपका काम है। मेन बात आ जाता है सर, बहुत आदमी को तो ड्यूटी अलग अलग बात सही है, जो ORS मेंस हो या आपको JOS मेंस है, उसका टाइमिंग भी सभी का बराबर नहीं है, क्योंकि ORS मेंस में आपको जैसे मैं टाइम बता दिया ये होता है। उसके बाद आप लोगों को
जैसे इसमें मैथ्स जियोस में इसमें जो ऑफिसर बांग्ला में मिलते हैं या आपको ऑफिसर जो मैथ्स में मिलता है उसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उनका जो नाश्ता करने का टाइम होता है 10-11 बजे तक उनका रहता है, फिर लंच करने का भी 2:30-3 बजे तक रहता है उनका। इसलिए उनका क्या है, आपको सुबह जाना पड़ेगा उधर आप लोगों को लगभग 6-7 बजे, उसका बाद आपको फिर से मतलब 10 बजे तो आपका तो नाश्ता ही चलेगा, उसका बाद फिर से आपको 12-1 बजे जाके फिर से आप 3-4 बजे, उसका बाद फिर से आपको 6 बजे से लेकर 10 बजे, उसका रूल अलग है, उसका मतलब ऐसे है। और ORS में इसमें आपको ऐसा नहीं है, 6-6.30 बजे तो काम क्लोज हो जाता है, 6:30 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तो आपको पूरा फ्री देगा, कोई आपको टच नहीं करेगा। ये हो गया आपका ड्यूटी। अभी आ जाता है सर खाना क्या क्या बनाना पड़ सकता है, उसमें तो दाल है, सब्जी है, आपको एक टाइम आपका पूरा वेजिटेरियन रहेगा और एक टाइम आपको दोपहर या रात को आपको नॉनवेज एंड वेजिटेरियन रहता है, दो अलग अलग के लिए, कभी चिकन बनेगा कभी मटन बनेगा, उसके बाद आपको एग करी फिश करी यही सब कुछ बनाना पड़ता है। आप लोगों को जो अभी जो NSQF Level 1 मांगा गया आप लोगों सभी को पता हो गया होगा क्या क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल आइटम है, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं। अभी आ जाता है सर प्लीज़ बताइए, ड्यूटी बोल रहे हैं आप, अभी आ जाता है सर सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी लगभग आप लोगों को 40 ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को लगभग कितना मिलेगा, 40,000 आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, 35 से लेके 40,000 तक। उसका बाद आ जाता आप लोग जैसे ज्वाइनिंग मतलब क्या आपका पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग होने के बाद लगभग आपको 45-50 के अंदर आप लोगों का सैलरी रहेगा, कितना 45-50। और कहीं आप श्रीनगर या आपको मतलब जहाँ अलाउंस ज़्यादा है तब आपको 52 तक भी आपको मिल सकता है दोस्तों, मतलब आप मान सकते हैं 50+ आपका रहेगा, अगर आपका अलाउंस वाला जगह में रहेगा आप ज़्यादा 50+ रहेगा, 45-50 तो आराम से आपका रहेगा सैलरी। सर अभी इसमें क्या है सर, मुझे पढ़ाई करना है आगे तक जाना है मुझे, क्योंकि कुक में नहीं रहना, बिल्कुल सही है, कुक में नहीं रहना तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सा आप SI के लिए दे सकते हैं, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए तो आप ITI में SI के लिए जा सकते हैं ऊपर, ऐसा ऑप्शन है, मैं पूछा था वो बोला था मुझे ऐसे ऐसे जा सकते हैं, और बाहर से भी आप NOC लेके भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी आप दे सकते हैं, बेच सकते हैं, GD का नहीं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी आप अगर आपका 10+2 है तो आप बेच सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को, ये तो मैं बता रहा हूँ, बाहर से भी आप ट्राई करके आप ट्राई कर सकते हैं, और अंदर से भी आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एंड SI के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं आप कुक में होने के बाद भी। अभी आ जाता है सर पढ़ने के लिए समय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 6:30 बजे से लेकर शाम को सुबह 5 बजे तक आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई आपको बुलाएगा नहीं दोस्तों, ना ड्यूटी है ना कुछ है दोस्तों, ना ड्यूटी कुछ नहीं है, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है सैलरी बोल दिया मैं, ड्यूटी बोल दिया, अभी आ जाता है कैंटीन का सुविधा क्या है, कैंटीन है सेंट्रल पुलिस कैंटीन, जैसे आप लोगों को इसमें क्या है आर्मी जैसा नहीं, इसमें 30-40% डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है दोस्तों। अभी इसका बात क्या है, फैसिलिटी क्या मिल गया सर, ITI का है इंडियन तिब्बत में हमेशा इसका ड्यूटी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा भी है प्लेन में भी है, प्लेन में बहुत कम है, जो हेडक्वार्टर प्लेन में है उसमें आपको मौका मिल सकता है, घर का नज़दीक है तो आपको उसमें भी मौका मिल सकता है 3 साल या 4 साल के लिए। जो पहाड़ी इलाका आप तिब्बत में रहेगा हिमालय में रहेगा आप टॉप, उसमें क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फैमिली रखने के लिए सुविधा उसमें कम मिलेगा, प्लेन एरिया में रहेगा तो आपको फैमिली रखने के लिए भी आपको समय मिलेगा और सुविधा भी मिलेगा दोस्तों। अभी आ जाता है सर एक बार बताइए, ये बोल दिया क्वार्टर के लिए भी बोल दिया, और ऑल इंडिया कहीं भी आप फैमिली रख सकता है दोस्तों, आपका सुविधा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ऐसा कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, आप कहीं ड्यूटी है और दूसरा जगह में भी आप रख सकते हैं फैमिली, और ये सब कुछ मैं बता दिया। ITI का जॉब कुक का जॉब ऐसा है होता है दोस्तों, ड्रेस आपको मिलेगा, ड्रेस ITI का जो कॉम्बाइंड ड्रेस है वो भी आपको पहन के आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ड्यूटी का हथियार आपको नहीं मिलता है दोस्तों, आप ये गलत दिमाग में मत लाना, आपको हथियार नहीं मिलेगा, और अभी नया प्रोसेस हो रहा है, पेंशन नहीं है, प्रमोशन सभी का आ गया है दोस्तों, ट्रेड्समैन का भी, कुक से भी आप डायरेक्ट हवलदार तक बनेगा, कुक का हवलदार, अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया, हवलदार आपका कुक में आपका रहेगा, हवलदार बनेगा, और ऐसा नहीं जो आपका ड्यूटी चेंज होगा ऐसा नहीं, कुक में रहेगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ज़िंदगी पछताना नहीं है, नौकरी कुछ ना कुछ सही है, आप ज्वाइनिंग होने के बाद आगे तक तैयारी और कर सकता है, और टाइम बहुत मिलेगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, पैसा बराबर है, कांस्टेबल है आप भी और हम भी कांस्टेबल, आप भी कांस्टेबल, सिर्फ आपका ट्रेड थोड़ा सा अलग होगा, ड्यूटी अलग है, क्योंकि डेस्क सेवा करने के लिए मौका आपको भी मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, सभी को शेयर कीजिए, कैसा जॉब है सभी को पता होना चाहिए, क्या काम करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।